खबर गुमला से आई है, जहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर एक लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। गुमला जिले के चैनपुर में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चे की मां ने अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये मामला गुमला के चैनपुर अस्पताल का है, जहाँ प्रखंड क्षेत्र के कुलाही हरिजन बस्ती निवासी मुन्नी देवी को प्रसव पीड़ा के बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मां ने चिकित्सा कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सही समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाती तो उसके बच्चे की मौत नहीं होती। उधर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने बताया कि चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई है, इसलिए पीड़िता के लगाए गए आरोप सरासर झूठ है। बूथ के आए थे सुबह, सुबह आए तो रात को जो नाश्ता ना वो थी, कितना लेट होगा उसको चेक किए, फिर बोले कि लेट होगा, घूमो फिरो बोले। फिर घूमे फिरे हम, फिर जैसे सुबह हुआ जैसे दर्द उठा, फिर घुसे तो कोई नर्स भी नहीं था ना कुछ नहीं था। तो जो 108 जाते हैं ना थी ड्राइवर साहब, वहाँ एक डॉक्टर था वही आया था। फिर बाद में फ़ोन किए वही डॉक्टर कि कहाँ है यहाँ पेशेंट। रांची के लापुंग थाने की पुलिस ने दौलाइशा टिकरा टोली के पास महिंद्रा कंपनी की बुधिया एजेंसी गुमला के सेल्समैन गौतम सिंह हत्याकांड मामले में एक और अपराधी कुश कुमार सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। अपराधी PFI संगठन से जुड़ा है। वहीं पुलिस ने इसके पास एक देसी कार्बाइन और एक देसी कट्टा भी बरामद किया। इस मामले में पूर्व में ही एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि ग्रामीण SP नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 8 दिसंबर 2020 को गुमला के महिंद्रा कंपनी के सेल्समैन गौतम सिंह की बोलेरो सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी थी, जिसमें शामिल एक अन्य अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि 2 अन्य अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सात दिसंबर को गौतम सिंह का हत्या हुआ था दुलेशा उधर सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र में लापुंग के लिए, और वो एजेंट के रूम में काम करते थे ट्रैक्टर का। यहाँ था उनका सीसई में था, उसी क्रम में उनकी हत्या कर दी गई। तहकीकात के क्रम में इसके पहले मैंने एक आदमी को सुरेश मुंडा को हमने। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में चाईबासा जिले में भी कोरोना संक्रमित पाए जाने से जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बता दें कि कोरोना से बचाव को लेकर जिला मुख्यालय में जागरूकता अभियान निकाला गया, जिसमें सदर अनुमंडल अधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें चले कि झारखंड के कुछ शहरों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू की गई है।